रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद एक बार फिर अपने मुखालिफीन पर खूब बरसे। बोले, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी लीडर नहीं गीदड़ हैं। तीन मरतबा वजीर आजम रहने वाला 4 दिन जेल नहीं काट सकता। नवाज शरीफ को डॉक्टर, दवाई और ना ही बिस्तरों की जरूरत है। इनको अस्पताल की शीटों से बदबू आती है। इनकी सुई फंसी हुई है कि बाहर से इलाज करवाना है। न इनको डॉक्टर पसंद पाकिस्तान का, न इनको दवाई पसंद, न बिस्तर पसंद। इनको इन अस्पतालों की बेड शीटों से बू आती है। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या। 2 महीने से एक जगह इनकी सुई फंसी हुई है, बाहर जाना है। और पूछ ले, भेज दें सारे, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देगा। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बोले, बिलावल को सिर्फ यही कहा, बच्चा है, बचकर खेले, कहीं सियासी मौत ना हो जाए। उन्होंने कहा, बख्तावर और मरियम बेटियों जैसी हैं, उनका जवाब नहीं दूंगा। मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ सारी कौम के सामने, और ये ना हो कि उसकी सियासी मौत वाकई हो जाए। देखें, बेनजीर भुट्टो की शहादत को जिन लोगों ने कैश किया, कोई मैंने कत बख्तावर मेरी बेटियों की जगह उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। ये ना कल मीडिया कहे बख्तावर कहे मरियम कहे, कोई मसला नहीं। मेरी जात से मुनासिब नहीं है कि मैं उनको जवाब। वजीर रेलवे ने कहा कि मदरसों का साथी होना गलत नहीं, अगर कोई मदारस की तरफ बढ़ा तो मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। कैमरामैन इकराम शाह के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज।